राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। दमोह में मंगलवार को एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की और वह भी कलेक्टर ऑफिस परिसर में। दरअसल संजय चौबे नाम के आरटीआई कार्यकर्ता मंगलवार को दमोह कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से अपने द्वारा की जा रही शिकायतों के निराकरण और उन्हें मिल रही धमकियों को लेकर बात करना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों से न मिल पाने के चलते आरटीआई कार्यकर्ता ने हंगामा खड़ा कर दिया। चीखते पुकारते संजय चौबे ने सरकारी तंत्र को जमकर कोसा और लोगों को बताया कि दमोह की जिला पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और जब इन मामलों की शिकायत उनके द्वारा की गई तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। लोगों के सामने ही संजय ने एक बोतल में डीजल लिया और फिर खुद पर डाल लिया। संजय माचिस की तीली जला रहे थे, लेकिन अपने मोबाइल और कैमरा में संजय को कैद कर रहे लोगों ने उन्हें बचा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि काफ़ी देर तक संजय हंगामा करते रहे, लेकिन ना ही कोई सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने आया और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा। इस मामले में कलेक्टर मयंक अग्रवाल का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति की जांच कराई जा रही है। जिला कलेक्टर मेरे को आह्वान आने तक 6 महीने हो गए, पंचायतों में जाते हम लोग भ्रष्टाचार उजागर करते, कोई जांच नहीं होती, हम लोग पर दबाव बनवाया जाता है, पर मिलने का टाइम नहीं देते लोग। किसने दबाव बनाया है आपको? कलेक्टर और जिला सीओ। किस चीज का दबाव बनाया गया आपको? फकार के बाप हेलो, यहाँ फोन लगवाई है अभी मेरे को, हम तो हरमाल ने गाली बाकी मैंने उसकी जानकारी मांगी थी, एक महीना हो गया, हम तो पाठक ने गाली बाकी मां बहन की मेरे को फोन पे। संतोष हरमाल कौन है सर? यहाँ कहाँ पे यहाँ क्या कर रहे थे? मैं आत्मदाह कर रहा था, मैं मरना चाह रहा हूँ। ये क्या डाल दिया आपने? मैंने डीजल डाला है, आत्मदाह कर रहा हूँ मैं, अधिकारी होगा जब तक जिले का कल्याण नहीं होगा। कब से परेशान है आप? मेरे को 4 महीने हो गए। किन किन शिकायतों को लेकर दबाव बना गया? मेरे पास 40 शिकायतें हैं, वो दावा जो हनुमान में आ गया, पावती है मेरे पास, हमारा हर मिलता है, कार्रवाई कभी नहीं होती। क्या चाहते हैं? मेरे को आत्महत्या करने दो। सर आत्महत्या करना तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। जेल भैया दो। सर अभी आपने बताया कि संतोष कुमार हैं कोई, जो संतोष हर बार गोखली देखता है, जानकारी मांगी, खिलाड़ियों ने बोला 1 महीने के बाद मैं आपको दूंगा, 1 महीना हो गया ना कोई लेटर मिला ना जानकारी मिली। संतोष पाठक 15वां बच्चा देखता है, कोई जानकारी मांगी, उन्हें मेरे को मामेन की गाली बाकी, अभी अटल कुमार चपड़ा थी मेरे को मानने दौड़ा, गुंडे भेजे, उसने बोला लेखन में तो खिलाड़ियों ने, मैंने लेखन में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या करूं मैं बताइए आप? इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? जिला पंचायत सीओ, जिला कलेक्टर, ये गुलाम है हत्ता पक्ष के, उनका काम कर रहे हैं। जेल भैया आए मेरे को गोली मारते, मैं अभी तैयार हूँ। आप कौन सा पेपर देख रहे हैं? जबलपुर एक्सप्रेस पेपर और बीए न्यूज। क्या नाम है आपका? संजय कुमार चौबे। हाँ, उसकी जांच पुलिस कर रही है, जो उसके ऊपर मतलब क्या उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच हो रही है और उसकी जांच भी पुलिस कर रही है।